हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु श्रीवास्तव। आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा का पर्व हमारे जीवन में, हमारे जीवन की किताब में एक मुख्य पन्ने के रूप में होता है। कहते हैं गुरु के बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान के बिना मान नहीं। वाकई ये बात बहुत ज्यादा हकीकत है इस बात में। आज की दुनिया, आज का समय ऐसा है कि अगर हमें ज्ञान नहीं है तो हम दुनिया में पीछे हैं। अगर हमारे पास ज्ञान है तो हम बहुत आगे हैं। इसलिए गुरुओं का हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा महत्व है। तो इसी बात पे एक मुझे स्टोरी याद आती है गुरु और शिष्य की, जो मैं आप सभी के साथ साझा करता हूँ। एक गुरु थे जिनका नाम तो मैं यहाँ पर नहीं बता सकता, पर उनकी एक मैं स्टोरी जो है वो आपको सुनाता हूँ। उन गुरु का एक शिष्य था, वो जो काफी ज्यादा क्रोधित रहता था हमेशा। और गुरु हमेशा ही अच्छे मार्ग पर चलते थे, हमेशा शांत रहते थे, टेंशन नहीं लेते थे। यही सारी चीज उन गुरु के अंदर थी। और जो शिष्य थे वो बिल्कुल विपरीत थे। तो ऐसे ही उन शिष्य ने आके अपने गुरु से एकदम से पूछा, गुरु जी आप हमेशा ही टेंशन मुक्त रहते हैं, आपके पास कभी भी टेंशन नहीं होती है, हमेशा सारे काम आप अच्छे से करते हैं, ये सारी चीज मुझ में क्यों नहीं है? तो गुरुजी ने कहा कि इसका आंसर तो मेरे पास नहीं है, इसका आंसर मेरे पास नहीं है। बस इतना पता है कि जो तुम्हारी जिंदगी है वो सिर्फ 8 दिन की है, 8 दिन बाद तुम मारे जाओगे। तो उसके बाद शिष्य के पास कोई भी जवाब नहीं था। शिष्य वहां से चला जाता है और उन 8 दिनों में सभी लोगों से अच्छे से मिलता है, मुस्कुराता है, टेंशन लेना छोड़ देता है। ये सारी चीजें वो अपने पिछले 8 दिनों के अंदर करता है और फिर 8वें दिन अपने गुरु के पास जाता है। गुरुजी मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे 8 दिन जो थे समाप्त हो गए हैं, हो सकता है मैं कल इस दुनिया में ना रहूं। तो गुरुजी ने एक और क्वेश्चन अपने शिष्य से करा कि पिछले 8 दिन तुम्हारे कैसे गए? तो उस शिष्य ने जवाब दिया, मैंने 8 दिन अपने अच्छे गुजारे, किसी से लड़ाई नहीं करी, किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं लिया, सभी को खुशी देना चाहिए। तो फिर गुरुजी ने कहा एक प्रश्न और कि ऐसा क्यों करा तुमने? पहले तो तुम ऐसे नहीं थे, पहले तो तुम्हें क्रोध भी आता था, गुस्सा भी आता था, टेंशन भी आती थी, तो अब ऐसा क्यों? तो गुरुजी ने कहा, तो फिर शिष्य ने कहा कि मेरे पास सिर्फ 8 दिन थे, मैं इन 8 दिनों में खुशी से रहना चाहता था, इन 8 दिनों में टेंशन मुक्त रहना चाहता था, ये 8 दिन मुझे अच्छे से बताने थे क्योंकि मुझे मालूम था मेरे पास सिर्फ 8 दिन है। फिर गुरुजी ने जवाब दिया कि जो पिछले 8 दिन पहले तुमने मुझसे क्वेश्चन करा था ना कि मैं टेंशन मुक्त क्यों रहता हूँ, मुझे टेंशन क्यों नहीं होती है, मैं क्यों अच्छे से रहता हूँ, यही जवाब है। हमारी जिंदगी ज्यादा दिन की नहीं है, हम कभी भी इस दुनिया से जा सकते हैं, हम अमर होकर इस दुनिया में नहीं आए, हमें एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना है। और वो पता नहीं वो दिन कब है, हो सकता है कि वो कल है, हो सकता है कि वो आज ही हो। इसलिए हमें हमेशा टेंशन मुक्त रहना चाहिए, हमेशा सबको खुश रखना जाना चाहिए, किसी से भी क्रोधित बातें नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, हमें इस स्टोरी से सीख मिलती है कि हमें हमेशा ही टेंशन मुक्त रहना चाहिए, दूसरों को खुश रखना चाहिए और खुद भी खुश रहना चाहिए, क्योंकि हमारी दुनिया ज्यादा बड़ी नहीं है, एक ना एक दिन हमें इस दुनिया से जाना है। तो ये थी एक गुरु शिष्य की कहानी और आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है। तो इस स्टोरी को मैं आप सभी के सामने लेकर आया। इसी के साथ मैं हिमांशु श्रीवास्तव इजाजत चाहूंगा, अगली बार फिर बहुत जल्द मिलेंगे।